अगर मैंने घर में किसी को भी कह दिया ना कि तुमने ऐसी हरकत की है तो वो मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या करेंगे, शायद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन उससे क्या होगा, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उनके दिल टूट जाएंगे, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, तुम्हें घर से बाहर निकालने के बाद भी वो अफसोस करेंगे। इस वक्त घर में सब कितने खुश हैं, क्या हम उनकी खुशियां बरकरार नहीं रख सकते, उन्हें और खुशियां नहीं दे सकते, हम दोनों मिलकर बहू होने का फर्ज नहीं निभा सकते। शालिन, मैं तुम्हारा सच कभी किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, ऋषभ जी की पत्नी हो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और उससे बढ़कर ये बात है कि एक बड़ी बहू होने के नाते सब तुम्हारा बहुत मान करते हैं। मैं उस मान को तुमसे नहीं छीनूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं तुम पर विश्वास कर सकूं, बस यही। इन सब के बदले में और कुछ नहीं चाहती, बस तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकती हो? क्या एक माँ से वादा कर सकती है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ कि तुम दोबारा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे? I'm really sorry. मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें या तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। I promise. Thank you, Cheryl. मैंने शर्लिन को हर तरह से सुधारने की कोशिश की, अब ये आखिरी कोशिश प्यार से सुधारने की है। आई होप अब वो सुधर जाए। मॉम, इस ट्रिप को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लीजिए, प्रीता भी आ गई। प्रीता, इधर आ, उतर जल्दी 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 जल्दी। सुन, तूने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, अब मुझे बचपन की लत लग गई है, मुझे फिर से बचपन जीना है। तो जियो ना, पर कैसे? आप बताइए क्या करें। मॉम ने लुनाला जाने के लिए बस हायर की है। हाँ, मैंने क्या सोचा है कि हम सब ऐसे गाड़ी में अलग अलग नहीं जाएंगे, हम सब मिलके बस में जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। नहीं मामी जी, हम बस में नहीं जा सकते। प्रीता प्रेग्नेंट है ना, और इस हालत में इसका बस में सफर करना सही नहीं होगा मामी जी। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मम्मी जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, अब से हम जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, प्रीता की हालत को ध्यान में रखते हुए करेंगे सब कुछ। वैसे तो 3 महीने बड़े रिस्की होते हैं, लेकिन तू डॉक्टर से बात करना, पूछ तू सफर कर सकती है या नहीं। और हाँ, डॉक्टर से ये भी पूछना कि तुम क्या खा सकती हो, क्या नहीं खा सकती हो, क्या कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती हो। इन शॉर्ट, ऑल डूज एंड डोंट्स। ओके, एग्जैक्टली। ओके, लेकिन करीना दी, हमें इतनी जल्दी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? राखी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैंने लेके रखी हुई है, कल ही की। गुड, तो फिर डॉक्टर से पूछना कि तू सफर कर सकती है या नहीं कर सकती बस में। अगर उसने कहा कि नहीं नहीं कर सकती, फिर तू गाड़ी में आ जाना, हम लोग सब बस में आएंगे, नाचते गाते घूमते मजा करते हुए। अच्छा, सारा मजा आपको आए, मुझे कोई मजा नहीं आया। मैं भी बस में ही जाऊंगी सबके साथ, नाचते गाते पहुंचेंगे वो सोनाक्षी की शादी में। ठीक है, फिर हम तेरा ख्याल रखेंगे वहाँ। हाँ ठीक है। आज तुम्हारी वजह से मुझे प्रीता के सामने झुकना पड़ा, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता इट्स ओवर। अरे पागल मत बनो, ये क्या बकवास किए जा रही हो? तो नाटक करने की कोशिश मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने विश्वास करके तुम्हें बताया कि मैं प्रीता के साथ क्या करने वाली हूँ, तुमने कृतिका को बता दिया, कृतिका ने सृष्टि को बताया, सृष्टि की वजह से प्रीता को पता चल गया, तुमने मुझे धोखा दिया। You know what? तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो ना, तो आज से प्रीता के आगे पीछे घूमो, प्रीता प्रीता करके पागल खाने पहुंच जाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, आई केयर अ डैम। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कृतिका के हस्बैंड हो, और मैं तुम्हारे लिए ऋषभ लूथरा की वाइफ। अरे ये क्या बोले जा रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। पृथ्वी, ये जो तुम्हारे डायलॉग बाजी है ना, चिकनी चुपड़ी बातें, मुझसे करना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैंने कह दिया,
आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता इट्स ओवर। कैसी बात कर रही हो? ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हारा पुन्नु बेबी हूँ, तुम्हारा पुन्नु बेबी। पुन्नु बेबी थे। हर एक रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट होती है, तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट भी आ गई है। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी प्रीति, यू डोंट एग्जिस्ट। लिसन बेबी, बेबी हेलो हेलो। मेरी बेटी के लिए जो लड्डू बनाने थे ना वो बन गए। सच में प्रीता खाएगी ना तो खुश हो जाएगी। पंची आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मनु बताया भी नहीं। हाँ मैंने तुझे कहा था ना प्रीता के लिए लड्डू बना रही हूँ, अगर बन जाएंगे ना तो जाकर उसके घर दे आऊंगी उसे। चल चल बस लड्डू इस डब्बे में डाल लूँ ना फिर चलते हैं। हाय हाय मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव? हाँ दोनों रड्डी शड्डी हो गई हो और मुझे बताया तक नहीं। अरे आपको अंग्रेजी फिल्म देखने से फुर्सत मिले तो बताएंगे ना, जाइए आप देखिए अपनी फिल्में। तो बता दिया है ना। और छोटी तू ना मेरे से जलसी ना कर, हाँ मैं अंग्रेजी पिक्चर देखती हूँ, अगर तुझे भी देखनी है ना तो तू मेरे साथ बैठ जाया कर, और तुझे अगर ना समझ में आए ना तो मुझे पूछ लेना किसने किसको क्या बोला। अब मैनू 2 मिनट दे, मैं हुने आई। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना केबल कनेक्शन ही कटवा दूंगी। अरे इतनी अंग्रेजी फिल्में देखती है, मतलब अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करती रहती है, गलत सलत कुछ भी, सबको चाहती है कि अंग्रेजी में बात करे। अरे मामा उनको अंग्रेजी फिल्में देखने तो देखने दीजिए ना, एंजॉय करने दीजिए ना, हमें क्या। वैसे एक लड्डू तो क्या माँ आपका प्यार मेरे लिए फिर से खत्म हो गया क्या? नहीं प्यार खत्म नहीं हुआ है, वो क्या है ना कि ये जो लड्डू है ना ये खास मैंने प्रीता के लिए बनाए। क्या है ना जब जब बेटी माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत जरूरत होती है ऐसे लड्डुओं की, ताकि उसका आने वाला नन्ना मुन्ना और उसके तो 2 आने वाले नन्ने मुन्ने वो स्वस्थ रहें और मेरी बेटी भी हमेशा खुश रहे और अच्छी खाती रहे। तो ये होने वाली माँ के लिए बनाया मैंने। हाँ जब तू माँ बनने वाली होगी ना तो मैं तेरे लिए भी ऐसे लड्डू बना दूंगी। अरे मम्मा कैसी बातें कर रहे हो यार आप। अच्छा चलो ठीक है। कभी कभार आप पे इतना प्यार आता है ना ऐसा लगता है खा जाऊं, ऐसा काट के खा जाऊं। ठीक है चलो, अभी आपने मुझे बोला है कि ये लड्डू मेरे आने वाले क्यूटो क्यूटी के लिए है, इसलिए मैं नहीं खा रही अब। ना ही मैं ये लड्डू खाऊंगी, ना ही मैं किसी को खाने दूंगी, अब ये लड्डू सिर्फ और सिर्फ दी खाएंगी। ओके बस उसी के लिए तो बनाए। चलो अरे जान के आंटी चलो ना, कितना हाथ मुंह धोगे यार, लेट्स गो। अच्छा सुन एक काम कर, तू जाके ऑटो रोक मैं आती हूँ। जानकी ताला लगा के बाहर आ जा जल्दी। करण आया? करण आया। हाँ हाँ जाओ तुम ही खोलो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप खोल दो। मैं तो वैसे भी यहाँ बैठने आ रही थी। हाय हाय देख कैसे शर्मा रही है। नहीं दादी मैं नहीं शर्मा रही, आप खोल दो जाके। इतना मत शर्मा, तेरा पति है बॉयफ्रेंड थोड़ी है, जा दरवाजा खोल। आराम से भाग मत। जानकी आंटी आ। कांग्रेचुलेशन पिता फॉर कमिंग बेबी। थैंक यू। लेकिन आप अकेले? माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो? अरे सारी बातें वही करोगे, अंदर तो आया हूँ। चल आइए सरला। नमस्ते। आप आओ ना जान कैंडी। आज प्रीता पुत्र चेकर तेरे को ना मेरी अंग्रेजी समझ नहीं आई ना तो मैं बता देती हूँ, जो मैंने कंगरू लेसन बोला ना उसका मतलब है कि तेरे आने वाले बच्चे की बधाई हो। हाँ हाँ जानकी आंटी बिल्कुल समझ में आ गई। तेरे समझ आ गया? वेरी गुड। प्रीता देख मेरी अंग्रेजी ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। नहीं नहीं सीख रही हूँ ना, लेकिन अगर सामने वाले को मेरी अंग्रेजी समझ आ गई इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने अंग्रेजी सीख ही ली। और देखना तेरे आने वाले बच्चे तक ना
मैं ऐसी फंटास्टिक इंग्लिश बोलूंगी कि ना मैं अंग्रेजी की मास्टरनी बन जाऊंगी। सो क्यूट जानकी आंटी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। चलो आ जाओ अंदर। माँ आप ये क्या लेकर आए हो? आई ये मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आई। वैसे दी मैं कसमें नहीं खाती, लेकिन आपकी कसम खा रही हूँ मैं आज। इसमें से मैंने एक लड्डू भी चुरा के नहीं खाए, सारे लड्डू आपके। रियली थैंक यू। एक बात समझ में नहीं आई, प्रीता मुझे देख के दरवाजे पे हक्की पक्की क्यों रह गई? नहीं तो जानकी जी, दरअसल बात ये है कि प्रीता जब दरवाजा खोलने जा रही थी तो उसने समझा करण है। आहो, पति आए तो हंस गई, जिकर मैं आई तो फंस गई। नहीं जानकी आंटी, मुझे पता नहीं था ना। माँ आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रहे हो। मैंने मना किया था, क्योंकि अगर बता देती तुझे तो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट कैसे देखती मैं, जो आप देख रही हूँ। प्रीता पुत्र, हम सब ने डिसाइड किया है कि हम तुझे हर रोज ऐसी छोटी छोटी सरप्राइजेस दिया करेंगे। हाँ। ताकि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हाँ, अगर मैं तुझे बता देती ना कि मैं आने वाली हूँ, तो ये जो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट है ना, ये मुझे देखने को कहाँ मिलती। माँ मैं तो खुश हूँ। इसीलिए नहीं बताया। और देख, ये लड्डू ना मैंने खास तेरे लिए बनाए, मतलब तेरे होने वाले बच्चे और होने वाली माँ के लिए। अच्छा सुन, अच्छे से खा लेना, मतलब एक सुबह खाना है गरम दूध के साथ, और रोज खाना है, बिल्कुल भी ना भूलना मत। राखी जी, ये वैसे भी खाने में ना जरा चोर है, आप ध्यान रखना कि ये एक लड्डू रोज खाएगी गरम दूध के साथ। इसके और इसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं प्रीता को ये लड्डू खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। शर्लिन जी, मम्मी जी, सरला जी आई हैं, चाय नाश्ता ले आओ। जी मम्मी जी। और जानकी आंटी, समय नहीं, मेरा एक काम कर दोगे प्लीज, वो गिरीश भैया को बोल के चाय नाश्ता मंगवा दोगे? वो क्या, मेरी तबीयत खराब है इसलिए। और प्लीज मम्मी जी को मत बताना, नहीं तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। नमस्ते सरला आंटी। बात ये है कि करण की कॉलेज की फ्रेंड है सोनाक्षी, वो शादी कर रही है लोनावला में, और हम सबको इनवाइट करने आई थी, इसलिए हम सब जा रहे हैं। और समीर, मैंने पता कर लिया है, लोनावला का मौसम बहुत सुहाना है। हिल स्टेशन है, घूम भी लेंगे और शादी भी हो जाएगी। ठीक है चाची। ये अच्छा कहा आपने राखी जी, अब कम से कम प्रीता के लिए थोड़ी हवा पानी भी बदल जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप हमेशा इसका अच्छे से ही ध्यान रखती है, जितना मैं रखती हूँ उससे ज्यादा। बस देखना आपकी खाना ये टाइम से खा ले, और ज्यादा इसे भागती है ना वो ना भागे, अपना ध्यान रखे, धीरे धीरे चले। और ये लड्डू जो है ना, ये टाइम से सुबह गरम दूध के साथ खा ले। माँ मैं खा लूंगी। मैं आपको और क्या बोलूँ, आप तो मुझसे ज्यादा उसका ध्यान रखेंगी, आप साथ जो जा रही हैं, बस इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। सरला जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, खुद से ज्यादा मैं प्रीता का ध्यान रखूंगी। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। शर्लिन क्या हुआ, ऑल ओके? नथिंग इज ओके। मुझे बताइए ऐसा कौन सा दिन होगा जब मेरे साथ इस घर में कुछ गलत नहीं होगा, मुझे खुशियां मिलेंगी। मैं समझाती हूँ, जब से प्रीता प्रेग्नेंट हुई ना, सब उसके आसपास घूम रहे, आगे पीछे घूम रहे कि उसे कैसे खुश रखे, उसे कौन सा नया सरप्राइज दे। सरला आंटी कल रात को आए थे ना, आज फिर आ गए प्रीता के लिए लड्डू लेके, और मम्मी जी मुझे कह रहे कि जाओ सरला आंटी के लिए, जानकी के लिए, सृष्टि के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। अरे मैं इस घर की सर्वेंट थोड़ी हूँ, बहू इस घर की, मुझसे सारे काम क्यों करवाए जा रहे हैं? काम डाउन शर्लिन, कैसी बातें कर रही हो तुम?
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी फैमिली तुम्हारी परवाह नहीं करती? क्या कोई तुमसे प्यार नहीं करता? भूल गई, जब तुम प्रेग्नेंट थी तब सब तुम्हारी कितनी फिक्र करते थे, कितना प्यार करते थे, तुम्हारी कितनी देखभाल कर रहे थे सब लोग। प्रीता से तो ये भी कहा गया था कि पूरे घर की जिम्मेदारी वो ले ले और तुम्हारा ख्याल भी रखे। सिमिलरली इस वक्त प्रीता प्रेग्नेंट है तो पूरे घर की जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? देखो शैलिन, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना तो उसका ख्याल रखा जाता है, उसे काम नहीं करवाया जाता। प्रीता प्रेग्नेंट है, उसके अंदर एक जिंदगी पल रही है, तो ऑब्वियसली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी गई है, तो इसमें तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? और रही भाभी की बात, तो वो तुमसे भी उतना ही प्यार करती है जितना प्रीता से करती है, उनके प्यार पे कभी शक मत करना। और तुम क्या कह रही थी? सरला अरोरा बार बार यहाँ आती है, मुझे कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे सरला अरोरा इतनी पसंद नहीं है, पर आई थिंक शी इज अ वेरी गुड मदर। कितनी फिक्र है उसे अपनी बेटी की, बार बार अपनी बेटी से मिलने आ रही है। तुम्हारी मॉम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आप कहना चाहते हो कि मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ शर्लिन, प्यार और परवाह दिखाई नहीं जाती, वो नजर आ जाती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर कोई मुझसे आके ये कहता कि संजना यहाँ बार बार क्यों आ रही है। वो आप ये सब बोल रहे हो क्या? आप भी मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं शर्लिन, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन मैं अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरी फैमिली सबसे पहले, प्रीता की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के मेरी फैमिली कितनी खुश है। 3 महीने बाद भाई कमरे से बाहर आए हैं और भाभी मॉम सब इतने खुश हैं। तुम्हें याद है ना, एक टाइम था जब मैं प्रीता से बहुत नफरत करती थी। मैं अभी भी अगर चाहूँ ना तो प्रीता के खिलाफ जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि प्रीता ने मेरी फैमिली को बहुत खुशी दी है और मेरी फैमिली सबसे पहले। वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तुम अपना मूड ठीक करो, ऐसी कोई बात नहीं, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शैलिन, प्रीता की फैमिली नीचे आई है, मैं जाके उनसे मिल लेती हूँ, वरना अच्छा नहीं लगेगा। तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ, चाय नाश्ता लेके। ओके, पर भी आ गई? हाँ, मैं तुम्हें किडनैप करने आई हूँ। किडनैप करने आई हूँ? तो बहुत अच्छी बात है यार, करो करो किडनैप करो फिर तुम। मैं यू नो ए शट अप, मैं कुछ और बोलने आई थी यार। हाँ, बोलो। बोलो बोलो। तुम सब लोनावला जा रहे हैं ना, और दी भी साथ में जा रही है ना? हाँ जा रही है, लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों सृष्टि? डोंट वरी, मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओके, डोंट वरी। नहीं नहीं, मुझे पता है दी का ख्याल तो सभी रखेंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दी का ख्याल रखो। ये कैसी बात हुई, मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोल रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम शर्लिन का ख्याल रखो। शर्लिन का? मेरा मतलब है शर्लिन पे नजर रखो। क्यों? पता नहीं तुम्हें ये बात पता भी है या नहीं। I don't know if I should say this or not. Please say it. बताओ ना क्या हुआ जस्टी। पृथ्वी का कॉल आया था कृतिका को। हाँ? और उसने कृतिका को कॉल करके ये बताया कि कि शर्लिन प्रीता दी के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ऑलमोस्ट उसने ये कांड कर ही दिया था। क्या बोल रही हो यार? हाँ, बानी दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन में, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही कृतिका ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, और फिर मैंने कृतिका और शर्लिन को फॉलो किया और मैंने उनकी बातें सुन ली। क्या, क्या, क्या बोले? तुम घबराओ मत, तुम्हें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने शर्लिन को वार्न कर दिया है कि अगर उसने आज के बाद ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तुम्हें तो पता है ना सैमी, कुत्ते की धुन टेढ़ी तो टेढ़ी ही होती है, वो कभी सीधी नहीं होती है, और शर्लिन इसी कैटेगरी की है। मुझे डर है कि वो फिर से कुछ ऐसा करेगी और दी के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तो लगा शर्लिन सुधर गई होगी सृष्टि, लेकिन वो अब भी इतनी घटिया हरकतें कर रही है। आई कांट बिलीव दिस यार। सैमी, मैं इसलिए कह रही हूँ, दी का ख्याल तो सभी रखेंगे, तुम्हें शर्लिन पे नजर रखना है कि वो दोबारा ऐसी कोई बकवास गड़बड़ ना कर दे दी के साथ कुछ। तुम समझ रहे हो? तुम टेंशन मत लो, मैं शर्लिन पे नजर। ये शर्लिन डाइन मेरे पिता का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसके कान के पर्दे फोड़ दूंगी।
इसकी जुबान काट दूंगी। मैं अभी बताती हूँ उसको। क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको कुछ मत बोलना, प्लीज। तू तो बहादुर लड़की थी ना, तू कब से डरने लगी? हाँ फट्टू कहीं की। दोनों के बीच में चल क्या रहा है? हाँ वो असल में क्या है ना, वो दोनों आपस में कई बार ऐसे ही लड़ लेते हैं, शायद किसी बात पर ऐसे ही लड़ रहे हो। अरे है जान की आंटी, आपस का झगड़ा है, आपस में निपटा लेंगे ना अंदर। पूरे परिवार को परेशान करने की क्या जरूरत है, उनको घसीटने की क्या जरूरत है इस पे? आपस का है, प्लीज। मैंने तो इस चुड़ैल को घसीटा। मैंने कहा ना किसी को कुछ मत बोलना, पूरे परिवार को परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? तो चुप कर। शर्लिन, शर्लिन, जानकी, जानकी क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही है? पैची, कोई मर्यादा तोड़े ना तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। आपको पता है शर्लिन ने क्या किया है? अगर मैंने आपको बता दिया ना तो मुझसे ज्यादा आप जोर से चिल्लाओगे।